हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जी टेक ऑनलाइन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज सेविंग अकाउंट की कैसे ओपन होता है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे HOAACSB और HOAACSB टाइप करने के बाद हम ओके करेंगे और यहाँ पे CIF ID डालेंगे। CIF ID मीन्स हमारे रिटेल ID जो होती है उसको टाइप करेंगे। CIF ID डालने के बाद हमें स्कीम कोड डालना होता है, तो अब हम इसके बाद सीधे स्कीम कोड डालते हैं। स्कीम कोड डालेंगे जो हमारे बैंक का होता है और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे, हमारी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे टैब होंगे। उस टैब में हम एक एक करके फिल करेंगे। तो 5 टैब का यूज़ करना होता है हमको। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे बोथ स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे मंथली और डेट चेंज करते हैं, डेट डाल देंगे और हॉलीडे को नेक्स्ट डे कर देंगे। लास्ट में हम करते हैं कलेक्ट बाई पर्सन डिस्पैच मोड और मोड ऑफ ऑपरेशन हम सेल्फ। इतना करने के बाद अब हमें सबसे पहले ऊपर आना होता है और इंटरेस्ट डिटेल पे क्लिक करना होता है। इंटरेस्ट डिटेल में हमें इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट सेलेक्ट करना होता है एस ओरिजिनल डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और अब हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट डालते हैं जो हमारी मंथ के एंड की होती है। अब इसके बाद अब हम जाएंगे स्कीम कोड पे। स्कीम कोड मीन्स स्कीम डिटेल पे। स्कीम डिटेल में हमें नॉमिनी सेलेक्ट करना होता है और कोई भी फील्ड चेंज नहीं करनी होती है और नॉमिनी में हम यस कर देंगे और नॉमिनी की डिटेल फिल करेंगे। नॉमिनी टैब में आके नॉमिनी में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है ऑटो कॉपलेट होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करना है। तो यहाँ पे अब हम CIF ID, अगर हमारा नॉमिनी का हमारा कस्टमर है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका CIF ID डालेंगे, उसका पूरा डिटेल ऑटो फैच हो जाएगा। और फिर इसमें रिलेशनशिप कोड डाल देंगे कि रिलेशनशिप कोड क्या रखते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर जो भी है वो हम लेते हैं। और इसके बाद अब हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे कुछ फील्ड कभी छूट जाती है, तो यहाँ पे जैसे छूटा है नॉमिनेशन परसेंटेज तो यहाँ पे हम 100% कर देंगे। देन हम नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे रिलेटेड पार्टी हम इसलिए डालते हैं जब हमारा ज्वाइंट अकाउंट होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको सबमिट कर देंगे और हमारा अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अच्छा, रिलेटेड पार्टी जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर नहीं है, हमारा कस्टमर नहीं है रिलेटेड पार्टी में, जो भी जॉइंट अकाउंट या अनदर होल्डर है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए उसका डिटेल केवल फिल करते हैं। डिटेल फिल करने के बाद हम उसको सबमिट कर देते हैं। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप का भी रहता है, रिलेशनशिप का अगर है और नहीं अगर हमारा कस्टमर तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं, उसमें ऐड करके हम डिटेल भरते हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं कि अब हमें वेरीफाई करना है इस अकाउंट को, तो वेरीफाई करने के लिए अब हम अपनी सेकेंड ID को ओपन करेंगे। सेकेंड ID हमारी जिससे हम वेरीफाई करेंगे, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं उसको, लॉगिन कर लेते हैं यूज़र ID पासवर्ड डाल के। सेकेंड ID लॉगिन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेरीफिकेशन होता है। वेरीफिकेशन बहुत सिंपल होता है, सेम प्रोसेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, जो हमें टैब फिल करनी होती है उसका ज़रूर ध्यान रखना है। वो अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अकाउंट ओपन करने में। और वैसे भी सारी फील्डें आपको बता दी गई हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोर सर्वर पे आते हैं, ओके करते हैं और अब हम टाइप करेंगे HOAACSB वेरीफिकेशन सेविंग अकाउंट। तो अब हम इसमें फंक्शन में ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वेरीफाई और जो हमारा टेम्परेरी अकाउंट नंबर आया था, जो ID आई थी, उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद वही टैब, सेम टैब खुलेगी जिसमें हमको जनरल डिटेल, इंटरेस्ट कैटेगरी, स्कीम डिटेल और हमारा रिलेटेड पार्टी और नॉमिनेशन डिटेल, ये सारी चीज़ें हमें एक बार फिर से क्लिक करके विजिट करनी है। विजिट इसलिए करेंगे तो हमें कोई डिटेल चेक करनी है, हम चेक कर सकते हैं और देन सबमिट कर देंगे। ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।